पार्किंसन डिजीज में जैसे ये सिम्टम आते हैं रिजिडिटी, एकाइनेसिया, ट्रेमर्स, इनमें जो बॉदरेशन होती है पेशेंट को चलने फिरने में, उसमें फ्रीक्वेंटली फॉल्स होते हैं, पेशेंट को बार बार गिरने की प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट स्टेप्स हैं, ग्राउंड से क्लियरेंस कम होती है, यूजुअली पेशेंट का पैर कहीं फंस गया, अड़ गया, पेशेंट गिर जाते हैं आगे, एंड ये जो प्रॉब्लम्स हैं इससे पेशेंट को हेड इंजरी के या फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं। बाकी जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, मोस्टली पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है, उनमें सेलोरिया होता है, उनमें जैसे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, भूख ज्यादा आती है, सिबोरिया ज्यादा होता है, ऑयली फेस होता है, कॉन्स्टिपेशन मोस्टली पेशेंट्स को होती है। यूजुअली ये माइनर सिम्टम्स हैं, दे आर इजीली मैनेजेबल। जैसे जैसे टाइम बीतता है पेशेंट के ये सिम्टम्स जो रिजिडिटी है, एकाइनेसिया है, ट्रेमर है, ये बढ़ते हैं एंड विद ट्रीटमेंट ये सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन एज द डिजीज एडवांसेस आफ्टर फ्यू ईयर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो कम्स डाउन, ये दवाई का इफेक्ट कम हो जाता है, तो हमें दवाई बढ़ानी पड़ती है या फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ानी पड़ती है या डोज बढ़ानी पड़ती है।